मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ मैं अली जी को। मित्रों, श्रद्धांजलि सभा है तो नीरज जी की रचना हम पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। आए, स्वागत। बात जब एक विश्वविख्यात कवि की हो तो ये मामूली बात नहीं होती, और उसके बारे में कुछ कह सके ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है, मैं जो प्रभावित हुआ इस तरह हुआ हूँ कि वो प्रकृति और प्रेम का सामंजस्य कैसे बिठाते थे। एक गीत है उनका, शायद सबको याद होगा, कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात हुई तो सितारे बन गए। तो प्रकृति का और प्रेम का सामंजस्य है। एक और था, दिल की कलम से, वो फूलों के रंग से, दिल की कलम से। तो मेरे पे इस बात का ज़्यादा प्रभाव है, और आज कुछ कहने की बजाय मुझे सुनने में समझने में ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि मेरी जानकारी कम थी नीरज जी के बारे में। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, और ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के विचारों को मैं जानूं। धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।